इस दृश्य का आनंद आप वीडियो देखकर उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर आने के बाद ही आपको एहसास होगा कि यमुना में पानी जब अधिकता से बहता है तो यहाँ के स्थल का आनंद ही कुछ अलग है। ये एतमाद दौला के सामने यमुना आरती स्थल है और अथाह पानी है यमुना में, आगरा जैसा लग ही नहीं रहा। और ये आगरा जैसा तो लग ही नहीं रहा सचमुच, यकीन मानो आगरा में तो लग रहा है कहीं हम हरिद्वार में गंगा जी के पास खड़े हैं। तिवारी जी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हमेशा पानी रहे तो एक स्पीड यो समझो अच्छा लगेगा। और माँ यमुना की आरती डेली होती है, लोग बाग आ रहे हैं, एक पिकनिक स्पॉट बन गया ये, लोग वहाँ आते रहते हैं। अच्छा, सेल्फी पॉइंट भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, रुकते हैं। हाँ। बन गया है तो इस वजह से रुकते हैं, और कहीं पूरे यमुना जी में कहीं पे भी जाओ। हाँ। कहीं दिखता ही नहीं आदमी, यहाँ दिखता है आप देखो। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, देखिए लोग फोटो खींच रहे हैं, ये देखिए यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं। सड़कों पर चहल पहल है, यमुना जी का दृश्य देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पता था यहाँ ये नहीं कि हिंदू ही आते हैं, मैंने कल देखे कम से कम बहुत सारे जो मुसलमान भाई हैं वो फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। पानी तो सबकी जरूरत है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। हाँ। नहीं कहते ना हिंदू मुसलमान ये वो, पर इसके आप तो बन गया है ना, तो पानी है साहब। हाँ। पानी तो सबको पीना है, सब आनंद ले रहे थे। यदि पूरे वर्ष इस जगह का पानी ऐसा ही रहे तो जमीन के पानी का स्तर भी खूब बढ़ जाएगा, और जमीनी पानी स्तर बढ़ जाएगा तो आगरा के पेयजल की 90% समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। सर डेली 20 रुपए का आ रहा है पानी, सपोज करो 600 रुपए हो गया मंथली, ये घर का ये तो पीने का है। 1200 रुपए हो गया एक बंदे का, अगर डेली का खर्च मतलब मर्द का 1200 रुपए बचेंगे, आप सोचो 3600 रुपए बचेंगे साल के। और जो पानी में पीने में स्वच्छ जल मिलेगा पीने में, वो अलग ही मजा होगा। ये फिल्टर करके फैक्ट्री वगैरह डाल के जो फिटकरी डाल के वो यूज करते हैं, वो कोई पानी थोड़ी पीने लायक। नदी का पानी का उसमें स्तर होता है वो किसी और पानी में नहीं होता है। जड़ी बूटी भी मिलके आती है, वो मट्टी में गाद मिलके आ रही है इस वक्त। जय हो यमुना मैया, आप ऐसी ही बहती रहे सदा, आपकी जय जयकार हो।